मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, दिल्ली की कर रहे हों या किसी अदर स्टेट की कर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ के, और वो भी चैप्टर वाइज। और आज जो चैप्टर उठाया है वो औसत का चैप्टर उठाया है, और आज आप देखेंगे यूपी पुलिस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस ने पूछे हैं अपनी परीक्षाओं में। वो क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, वो सन भी आपके सामने होगा, वो मीटिंग भी आपके सामने होगी, वो तारीख भी आपके सामने होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है भैया? औसत बताना है, ठीक है भाई। तो जब औसत बताना है तो औसत के लिए सीधा सा ध्यान रखना आपको, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, क्या कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे दो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। अब पहली संख्या होगी 1 और अंतिम संख्या, जहाँ तक की वो बात कर रहा ना, अगर लगातार संख्याएं हैं तो यही करना, तो होगी 50, तो 1 + 50 / 2 का मतलब 51/2, और 51/2 का मतलब हो जाएगा भैया 25.5, और ये इसका आंसर है। और ये पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 की परीक्षा में। चलिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की औसत आयु बतानी है। अब उसने कहा ए बी और सी कितने आदमी होंगे, कितने आदमी होंगे भाई? 3। ए बी और सी कितने आदमी हुए? 3। तो 3 की औसत आयु कितनी है? 25। अगर मुझे टोटल निकालना है तो 25 × 3 मतलब 75 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 75 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 75 वर्ष। ए और बी की औसत आयु, अब आदमी कितने हुए? 2। अब आदमी कितने हुए? 2। औसत आयु दे रखी है 28, तो 28 में किससे गुणा करूंगा मैं? अपने आप बताओ, किससे गुणा करूंगा? 2 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो 28 × 2 तो 28 × 2 = 56। अब आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अगर मैं घटा दूं तो बी से बी गया, ए से ए गया, बचेगा कौन? सी। तो 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर कितने बचे? 6। 6 में से 5 गए 1, मतलब 19 वर्ष जो है वो किसकी आयु होगी? वो सी की आयु होगी, 19 वर्ष इसका उत्तर बनेगा। चलिए मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आराम से हम यहाँ पर कर सकते हैं, अभी हमारे पास इतना स्पेस शेष है। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 72, देखिए थोड़ा सा हम स्प्रिंट था यहाँ पर, क्वेश्चन ये 72 है, 720 नहीं है, 72, 60, 63 और 65 है, उनका औसत प्राप्तांक बताना है। आपको क्या बताना है भैया? औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। तो औसत कितना हो जाएगा भाई? चारों को जोड़ दो, कितना? 72 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 65 और बटे हो जाएगा भाई कितना? 4। जोड़ दो सबको, यहाँ पर कितना आया? यह आया 5 और 3 8, और 2 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 18, 6 6 12 6 18, 18 और 7 हो गए 25 और 1 26 बटे 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, कितने बचे? 2, और 4 5 हुए 20, कुल मिलाकर यह आ गया कितना भाई? 65। और 65 किस ऑप्शन में है? इसके बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है, यदि उनमें अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताना है। किसका भार बताना? अध्यापक का। तो अध्यापक का भार जो है वो कितना होगा भाई? देखिए भाई, 20 छात्र हैं और एक अध्यापक है, तो कुल मिलाकर हो गया 21। अगर मैं 21 आदमियों का टोटल निकालूं, टोटल वजन निकालूं, तो 20 का तो दे रखा इसने 21 किलोग्राम औसत, और अगर मैं अध्यापक को शामिल कर रहा तो 1 बढ़ रहा, तो 1 बढ़ रहा तो कितना हो जाएगा? 22। और माइनस 20 का दे रखा भैया 21, ठीक है। 20 छात्र, उनका औसत 21, टोटल हो गया 20 × 21, 20 छात्र और एक अध्यापक, 21 आदमी हुए, और पहले 21 किलोग्राम औसत था, 1 की वृद्धि होगी तो 22 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं 21 कॉमन ले लूँ तो 22 - 20 बचेगा, और कुल मिलाकर आसान सा काम हो जाएगा, 21 × 2 और 21 दोनों होते हैं 42, और 42 वर्ष जो है वो किसकी? वो आ जाएगी भैया अध्यापक की आयु, जो आपके सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन क्या है?
एक सुबह वेदी अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में जो गति हुई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। तो दोनों तरफ से औसत गति पूछ रहा, तो औसत गति के लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स क्या है? एक तरफ से चाल। एक्स क्या है? एक तरफ से चाल। वाई क्या है? दूसरी तरफ से चाल। एक्स क्या है? एक तरफ से चाल और वाई क्या है? दूसरी तरफ से चाल। तो 2 × 15 × 10 / 15 + 10, तो यहाँ पर कितना आया भाई? यहाँ 2 × 15 × 10 / 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी क्या आई भैया? औसत चाल आई। क्या आई? औसत चाल आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की दरकार है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं क्या है। जितेंद्र और उमेर द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 70 है। दो आदमी हैं, जितेंद्र को मैंने जे लिख दिया, उमेर को मैंने यू लिख दिया और उनका औसत है 70। तो 70 × 2 टोटल हो गया 140। उमेर और श्यामलाल, उमेर को यू लिखा मैंने और श्यामलाल को ऐसे लिखा, इनका औसत 56 है। आदमी दो हैं तो 56 × 2, 56 × 2 = 112 होंगे। श्यामलाल और जितेंद्र, श्यामलाल एस हुआ और जितेंद्र हुआ जे, और इनका जो औसत है वो 78 है। तो दो आदमी है तो फिर 2 से गुणा, तो 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14, 1 = 15। ठीक है, अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि तीनों का औसत बताना, जितेंद्र, उमेर और श्यामलाल का औसत बताना। अब देखो भैया, 2 × j + u + s हो गया। क्यों करा हमने 2? 2 j हैं 2 u हैं 2 s है, 2 कॉमन ले लिया। इधर कितना आया भाई? 6 × 2 = 8, 4 × 5 = 5 और 5 = 10 हासिल को 1 1 2 3 और 1 4, 2 से कट्टा हमने, 2 × 2 = 4 और 2 = 8। तो j प्लस यू प्लस एस बराबर आया 204। लेकिन हमें चाहिए औसत। अगर आपको औसत चाहिए तो क्या करेंगे? जितने आदमी हैं उससे गुणा कर देंगे, जितने आदमी हैं उससे, सॉरी गुणा नहीं, भाग कर देंगे। 3 आदमी 3 से भाग करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, और इतना ही इसका उत्तर आ जाएगा 68। और ये क्या है भैया? 68 इनका स्कोर है, तो ये 68 ही इसका उत्तर है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों को नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई है परेशानी और नहीं हुई है कोई दिक्कत, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या जो किसी अन्य अदर स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 24 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप से छात्रों का औसत जो है वो फिर भी अब कितना हो गया? 25 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र शामिल होने से इसके परिणाम औसत में औसत अंक गिरकर जो है 24.8 हो गए, 24.8 हो गए। ठीक है जी, तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? ठीक है जी, अब देखो पहले छोड़ने वाले के निकाल लो, जिसने छोड़ा उसके निकाल लो, छोड़ने वाले के अंक। ठीक है भाई, 25 छात्र थे और औसत 24 था, इसके छोड़ने पे छात्र 24 रह गए, औसत 25 हो गया, तो ये तो 0 आ गया भैया। भाई 25 यहाँ भी हैं और 24 यहाँ भी, दोनों जगह 25 24 है, इसका मतलब उसके अंक थे 0। अब समूह में शामिल होने वाले के, समूह में शामिल होने वाले के छात्र के अंक कितने हैं भाई? ठीक है भाई, अब यहाँ देखो जी कितना है, एक चला गया था 24 हो गए थे, एक और आ गया तो फिर वापस 25 हुए, और जो औसत दे रखा वो 24.8 दे रखा, और माइनस टोटल कितना बन रहा है? अभी भी 600 है भाई, 25 × 100 और 25 × 2 = 50 और 10 = 60, 600 है, 25 × 8 = 200। ठीक है, तो 20 हासिल गया और 25 24 गुणा करी तो 600 और 620 हुआ, इसका मतलब ये
और माइनस 600 करेंगे तो कुल मिलाकर आया 20। अब देखो समूह में शामिल होने वाले के 20 अंक हैं और जाने वाले के 0 हैं, औसत इन दोनों का ही बताना है, औसत इन दो का ही बताना है, तो 20 प्लस 0 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 10। तो इनका कितना है भैया 10, और ये 10 जो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में जबरदस्त क्वेश्चन था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 की, वो सॉरी 18 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन आए उनमें जानदार शानदार क्वेश्चन, और इस जानदार शानदार क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, उसने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो 12वीं पारी का रन पूछ रहा, ठीक है जी, औसत 2 बढ़ाना, तो 12 पारी औसत हो जाएगा 51, पहले था 53 और माइनस 11 गुणा 51, ठीक है। तो 12 3 36 का 6 का हासिल को 3, 12 5 60 और 3 हो गए 63, 11 5 55 और 156 घटाया 5 आया, 13 में से 6 गए 7 कुल मिलाकर 75। और ये किस ऑप्शन में, आपके पहले ऑप्शन में है। 9वां क्वेश्चन आज का आपके सामने लग चुका है, उसे को भी यहीं पर देख लेते हैं, हो जाना चाहिए। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 का औसत कितना है, 65 है, तो उन 2 विद्यार्थियों का औसत पूछा, 2 विद्यार्थियों का औसत, 2 छात्रों का औसत, 2 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा भाई, जब 2 का निकालना तो बटे में तो 2 ही लगा दो, 5 का 55 है तो 5 गुणा 55 करो, माइनस जो है 3 का 65 है तो 3 गुणा 65 करो, यहाँ आप 5 5 25 और 2 27, 3 5 15, 3 6 18, 1 19 बटे 2 कितना आया 0, कितना आया 17 में से 9 गए 8 और बटे 2 मतलब ये आया 40, और ये 40 जो है वो बिल्कुल उत्तर बनेगा जो सी ऑप्शन में है। 40 अंक जो हैं उन 2 छात्रों का क्या रहा, औसत रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और एक और जानदार क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 भी है। 10वां क्वेश्चन, 18, 27 और एक अन्य संख्या, एक तो 18 है, एक 27 है, एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तो 18 है एक संख्या, एक 27 है, अन्य को x मान लिया, औसत 30 है, तो 30 गुणा 3 करेंगे, 3 क्यों करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, तो ये तो 90 आ गया, ये आ गया x प्लस 8 7 15 5 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, तो x बराबर 90 माइनस 45, इसका मतलब वो जो तीसरी संख्या है वो ही 45 है, वो ही क्या है, 45 है। 11वां क्वेश्चन आया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में, क्वेश्चन आसान था, 14 13 और एक अन्य संख्या बिल्कुल सेम इसी तरह से, एक 14 है, एक 13 सॉरी 31 है और एक तीसरी संख्या है, उनका औसत 30 है, तो 30 गुणा 3 ही करेंगे, तीसरी संख्या बतानी है, जोड़ दो भैया, तो यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, 45 आया, ये 90 आया, और यहाँ पर मैं समझता हूँ ये तो उत्तर ही सेम आ गया, जो 45 ऊपर वाले का था वो ही यहाँ पर आया, केवल संख्याएं चेंज आई लेकिन उत्तर में कोई अंतर नहीं आया, परिणाम में भी कोई अंतर नहीं आया, और इस 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन यूपी पुलिस ने कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे वो सारे हमने ले लिए हैं, ये क्रम जारी रहने वाला है, तो आप इसका बिल्कुल नोटबुक बना लें और एक एक क्वेश्चन करके बिल्कुल देखें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, भर दें आप, जितने भी आप कमेंट कर सकते हैं वो भर दें, हम उनके जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक रहें स्वस्थ और तैयारी रखें जबरदस्त, धन्यवाद।